हाँ तो मेरे चांद के टुकड़ों, मेरे दिल के उजालों, मेरी आंखों के तारों, क्या हुआ? सुना है आप किसी मुसीबत में पड़ गए? भैया यही सुनने में आ रहा है कि जयशाह साहब आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं और आप लोगों को अभी से तकलीफ शुरू हो गई है, मरोड़े पड़ने लग गए हैं। अभी खाली खबर है भाई, अभी बने थोड़ी है, नवंबर की बात है। नवंबर में जो अभी आईसीसी के चेयरमैन है, जी हाँ, ग्रेग बार्सले साहब, जो अभी आईसीसी के चेयरमैन है, अभी वो नवंबर तक वही हैं। टेंशन मत लो, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। अभी ये इतना जल्दी पेट में दर्द, यार प्री मैच्योर तो कुछ भी नहीं होता है ना, हर चीज का एक मुकर्रर टाइम होता है। प्री मैच्योर कुछ नहीं होता। अभी आईसीसी का चेयरमैन नहीं बने, अभी जयशाह साहब बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। हाँ अभी नवंबर तक है वो ग्रेग बार्सले साहब, तो तब इलेक्शन होंगे, तो हालांकि चांसेस यही हैं। लेकिन आप इतने जल्दी अगर टेंशन लेने शुरू कर जाओगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। आपके भी तो वो थे ना, जो पिछले आपके फॉर्मर चेयरमैन थे, वो भी आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बन सकते हैं। और इस बार स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, बन जाएंगे, लिख के ले लो। और दूसरा, अभी मैच चल रहा है जी, इंडिया और श्रीलंका का, बहुत तगड़ा मजे का मैच हो रहा है। 13 ओवर में इंडिया ने 13.1 ओवर में इंडिया ने 150 कर लिए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। 13.1 ओवर में 150 रन कर दिया इंडिया ने, जिसमें से कैप्टन सूर्य कुमार यादव आज वन डाउन पोजीशन पे आए खेलने के लिए। भैया नहीं तो चौथे नंबर पे आते थे। हाँ जी, अब वो आपको इसी पोजीशन पे खेलते हुए दिखाई देंगे। तो भैया 23 बॉल में 50 की है, और मतलब 24 बॉल में उनके 53 थे, 25 बॉल में उनके 58 हो गए, 54 थे, 58 हो गए। हाँ अभी चौका लगाया उन्होंने, और उसके बाद ऋषभ पंत 16 बॉल में 17 रन बना के खेल रहे। शुभमन गिल, प्रिंस गिल, 16 बॉल में 34 रन किए भैया। हाँ 6 चौके और 1 छक्का, मतलब कि 30 रन तो बाउंड्री से आके। अच्छा, यशस्वी जायसवाल ने किए जी 41 रन 21 बॉल में, जिसमें उनका 1 छक्का और 5 चौके। तो भैया बड़ा घमासान सा मचा हुआ है, बड़ी ताबड़तोड़ मार पिटाई हो रही है। तो लगता है ऐसा है कि जैसे अभी सूर्य कुमार खेल रहे हैं, तो लगता है ऐसा है 250 रन तो हो जाना है। हाँ 250 रन हो जाना है। तो अभी ये ताजी ताजी खबर मेरे सामने से गुजर रही थी, सोचा आपको बता दूं। और उसके बाद जैसा सब की बात करते हैं, तो अभी बीसीसीआई के वो हैं सेक्रेटरी हैं, अभी 6 साल होने को आएंगे उनको, मतलब 3 पीछे वाले 3 आगे वाले। अगर ही वो बन जाते हैं चेयरमैन आईसीसी के, तो वो नवंबर में होने हैं इलेक्शन। अभी ग्रेग बार्सले बैठे हुए अपनी कुर्सी पे विराजमान है अभी वही। तो भैया पाकिस्तान में क्या होता है कि आपको ना सही चीज की परख नहीं होती है, सीधी सी बात बताते हैं। हाँ सच्ची बात बताते हैं। आपके पास एक बंदा था जिसका नाम था वसीम खान, वो था आपका सीईओ, क्रिकेट में आपने रखा था ना उसको अपने साथ। हाँ तो आपने उसको सीईओ रखा था, इंग्लैंड का है बेसिकली, वो इंग्लैंड में रहता है, तो है तो पाकिस्तानी मूल का है लेकिन इंग्लैंड में रहता है वो बंदा, तो आपने उसको सीईओ लगाया। भैया जो आज पाकिस्तान में एक चीज समझने वाली है, पहले समझ लो, जो पाकिस्तान में आज आप कह रहे हो ना कि इतने सारे कंट्रीज आके खेल के जाती हैं मैच, इतनी कंट्रीज मैच खेल रही हैं, साउथ अफ्रीका आई, इंग्लैंड आई, ऑस्ट्रेलिया आई, न्यूजीलैंड आई, न्यूजीलैंड तो बार बार आ रही है, अभी इंग्लैंड फिर से आनी है, इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज खेलनी है आपके साथ। तो ये सारा जो है ना, ये सारा सर वसीम खान साहब की ही मेहनत का नतीजा है। जिस टाइम पे वो थे ना तभी आने लगी थी, याद है जिस टाइम वो सीईओ थे, तो उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम आके वापस चली गई, उनको कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज हो गए, वो आके चली गई वापस। लेकिन उससे पहले भी कुछ टीम्स आई, खेली उन्होंने, उसके बाद भी आई, ये सब उनकी मेहनत का नतीजा है जो आप अभी खा पी रहे हो। आपने उनको कदर नहीं किया, आपने उसको निकाल दिया। अब वो बंदा जाके बैठा है कहां पे? आईसीसी में, आईसीसी में मैनेजिंग डायरेक्टर है वो, आईसीसी में बैठा अभी वो बंदा, और अब वर्ल्ड क्रिकेट को रूल कर रहा है। तो भैया अब वो वर्ल्ड क्रिकेट को रूल कर रहा है, समझे? अब वर्ल्ड क्रिकेट चला रहा है बंदा, जिसको आपने इस लायक नहीं समझा कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट को चला पाएगा, तो अब वो बंदा वर्ल्ड क्रिकेट चला रहा है।
तो इसलिए ना सही बंदे की परख किया करो, सही बंदे को। लेकिन मसला प्रॉब्लम एक है ना, जो बैठता है कुर्सी पे उसमें वो आ जाती है, तो फिर नए और तैयार हो जाते हैं। एक टोली बन के बैठ जाती है पुराने को निकालने के लिए और नए को ठोंपने के लिए। जब वो नया ठुल्ल होता है तो उसके बाद वो वाली पार्टी गायब हो जाती है, वही पार्टी फिर दूसरी एक और नई टीम तैयार कर लेती है, एक और नया बंदा मैदान में उतार लेती है। तो सर कुल मिला के बात ये है कि अब आपकी क्रिकेट आगे कितना फ्लरिश करेगी, कितना इवॉल्व होगी, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपके क्रिकेटर्स जो अभी खेल रहे हैं वो आपको कितना मजा देते हैं। स्पेक्टेटर्स की बात कर रहा हूं, कितना उनको एंजॉय करवाते हैं। और स्पेक्टेटर्स एंजॉय कैसे होते हैं, खुश कैसे होते हैं, जो क्राउड आता है देखने के लिए उनको, भैया मैच जीतो, आप छक्के चौके मारो, तगड़ी ताबड़तोड़ बैटिंग बॉलिंग करो, उसके बाद अपने देश को जितवाओ, अपनी टीम को जितवाओ, तब आपकी कंट्री की कदर कब पड़ेगी। आप देखो कि अफगानिस्तान, एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया था कि हम अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टूर करने जा रहा था, उन्होंने मना कर दिया था कि हम अफगानिस्तान के साथ नहीं खेल लेंगे क्योंकि ये वुमेन्स को प्रमोट नहीं करते हैं कि वुमेन्स क्रिकेट खेले, वुमेन्स को प्रमोट नहीं करते हैं ये, तो हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। अफगानिस्तानियों ने गैरत की, भैया देखो उनके प्लेयर्स सारे वहां से बीबीएल छोड़ के चले आए, बीच में बीबीएल चल रहा था, बीबीएल के बाद ही होनी थी, सारे प्लेयर बीबीएल छोड़ के चले आए, ये होती है गैरत। लेकिन आपके प्लेयर होते ना वो वहीं पे, जिन बंदू ने $25-25 में क्या किया है कि अपने साथ अपने आप को बेचा है, मतलब बेचना ही हुआ ना, आपके साथ कोई आके बैठ के खाना खा रहा है, आप उसके साथ सेल्फियां ले रहे हो, भैया या तो आपने पैसा रखना ही नहीं था बिल्कुल भी, $25 का क्या ही बन जाएगा आपको, या तो आपने पैसा ही नहीं रखना था, सीधा खुला ऑप्शन रखना था, तो एक लिमिट रखनी थी कि हम पर डे के इतने फैंस के साथ हम बैठेंगे, सेल्फी लेंगे, ऑटोग्राफ देंगे, आपने $25 वाला जिक्र रखना ही नहीं था बीच में, उससे भी आपने अपनी बेइज्जती करवाई, जलालत करवाई, अपनी कुत्तेखानी करवाई। तो ये सब बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। तो भैया अफगानियों ने गैरत की और अफगानियों ने आपको पेल दिया वर्ल्ड कप में, जब आपको पेला और दुनिया की टीमों को ठोका, तो उसके बाद क्या हुआ कि आज अफगानिस्तान का मेरिट कहां पे है, आज अफगानिस्तान के साथ कोई भी टीम खेलने के लिए खुद ऑफर्स कर रहे भैया, वही ऑस्ट्रेलियंस जो एक टाइम पे मना कर गए थे हम नहीं खेलेंगे, वही ऑस्ट्रेलियंस आज उनको कह रहे हैं कि भैया हमारे साथ खेल लो, या तो हम आ जाते हैं इंडिया में, आप होस्ट करो, नहीं तो अगर आप ट्रैवल करोगे तो हमारे लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो होस्टिंग कंट्री होती है सबसे ज्यादा फायदा तो उसी का होता है ना, होस्टिंग कंट्री का, होस्टिंग नेशन का फायदा ज्यादा होता है, क्योंकि सारा बजट जो जनरेट होता है वो सारा उसी के पास जाता है, थोड़ा बहुत जो होता है तो वो ट्रैवलिंग कंट्री को जाता है, तो ज्यादा होस्टिंग का ही होता है फायदा। तो भैया लेकिन वो अभी खुद को होस्ट करवाने के लिए भी तैयार है अफगानिस्तान से, अब जाहिर सी बात है अफगानिस्तान के तो होम ग्राउंड सभी इंडिया में है, देहरादून का ग्राउंड उनको मिला हुआ है, वहां पे वो होस्ट करते हैं, अभी कुछ टाइम के बाद उनकी एक टेस्ट मैच भी होना है वहीं पे। तो भैया ज्यादा बातचीत ना करते हुए इसी पे वीडियो को रखते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर देना, कुछ तो कर दो, हम जो इतना कर रहे हैं, इतना बतिया रहे, तुम तो कुछ कर दो।